स्कूल में क्या क्या दिक्कत होने वाला खाना ना बने ला खाना बन ला और कौन सी ना मिली लगती पैसा और ना मिला पैसा पैसा पढ़ाई होला प्राथमिक विद्यालय हरपुर घोटा जो विद्यालय गांव की बहुत करीब है जो 8 सालों से बच्चों का भोजन स्कूल में मात्र 2 से 3 दिन ही मिलता है बाकी बचा हुआ चावल को बेच दिया जाता है। अखिलेश्वर कुमार यहाँ का टीचर है स्कूल का ग्राम हरपुर घोटा का ठीक है। इतना दिन से टीचर रहते हुए भी इसमें स्कूल में सुबह समय पर खाना भी नहीं बन रहा है बच्चा सबका खाना भी नहीं मिल रहा है और उसके अलावा पोशाक भी नहीं मिल रहा है स्टाइपन भी नहीं मिल रहा है ठीक है। और उसके अलावा वो चावल 8.5 बोरा वो बेच दिया वो जैसे सेलर की छटाई करने के लिए उसके बहाने वो बेच दिया। अभी तक आप लोग क्या क्या किया? अभी तक उसको लिए हम लोग यही किए हैं कि जो छोटा बाबू आए थे इसे, हाँ ग्रामीणों ने पूरा मिलकर बुलाया था तो छोटा बाबू आए थे एप्लीकेशन भी लिख कर दिए थे और मुखिया भी आए थे एमडी भी आए थे वो भी आए थे इस पर पूरा एप्लीकेशन लिख के दिए भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि दोषी शिक्षक को नियोजन रद्द किया जाए और उसकी जगह में अच्छा शिक्षा बहाल करके स्कूल में नियमितता लाया जाए। आप सभी दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि आप भी हमारे इस महत्वपूर्ण लड़ाई में सहयोगी बने जिसके लिए MDM प्रभारी का मोबाइल नंबर है 9470701828। इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से इंडिया अनहर्ड के लिए।